फिरोजाबाद के पाड़म में पहुंचे साक्षी महाराज, छह लोगों के जिंदा जलने वाले परिवार के साथ किया दुख व्यक्त, मीडिया से की बात और कहा, मैनपुरी चुनाव पर कहां भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है, रामपुर से भी जीत रही है और दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी हम जीत रहे हैं। दिल्ली श्रद्धा की 35 टुकड़े कर हत्या करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 35 टुकड़े करने के बाद पता लगता है कि यह शिक्षा बचपन से ही दी जाती है, टुकड़े करने वाले तो सुधर नहीं सकते, हिंदू बहनों को सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, यह दिमाग से निकाल देना चाहिए, जिनके खून में ही हिंसा है वह हिंसा को कभी छोड़ नहीं सकते। सर, मैनपुरी चुनाव को लेकर जो सपा ने आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर, इसमें आपका क्या राय है? हारने वाला सदा आरोप लगाया करता है सरकार पर और पार्टी पर। क्या लगता है सर, मैनपुरी में जीत कैसी रहेगी, किन की हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से मैनपुरी भी रामपुर भी जहाँ भी उपचुनाव सब जगह जीतेगी। दो राज्यों के उपचुनाव के बारे में पहले से हमारे थे ही और मुझे लगता है हम दोनों जगह दो तेई बहुमत से सरकार बनाएंगे। एमसीडी में तो नुकसान हो रहा है सर, श्रद्धा हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ है, कहा जा सकता नुकसान को कोई मतलब नहीं है, एमसीडी दिल्ली में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अच्छा सर, एक जो भी मामला चल रहा है श्रद्धा हत्याकांड का, 35 टुकड़े किए गए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप आज के युवाओं को? 35 टुकड़े के बाद समझ में आता है कि ये शिक्षा बचपन से दी जाती है, तो टुकड़े करने वाले सुधर नहीं सकते, लेकिन हिंदू बहनों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, ये दिमाग से निकालना चाहिए, जिन लोगों के खून में हिंसा है वो हिंसा को